यही मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि आप अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जीना, आने वाली पीढ़ियों के लिए जीना। आप केवल शिवयोग को अपने लिए मत सीखना, आने वाली पीढ़ियों के लिए सीखना। तुम्हें क्या लगता है शिवयोग की कीमत केवल घुटनों के दर्द से तुम्हारा बचना है? शिवयोग की कीमत है कि तुम तर जाओ, तुम्हारी आने वाली सात पुश्ते तर जाएं। और इसलिए तुम्हारी साधना केवल तुम्हारे लिए नहीं, आने वाले समय के लिए है, आने वाले काल के लिए। तुम्हारा काम बढ़ रहा है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बढ़ रहा है। इट इज जस्ट टाइम कि तुम स्वीकार करो कि तुम कौन हो।